Hi guys, what's up? I'm Kajal and welcome back to my channel. And for the first time, वही बोल रही थी. And for the very first time, मेरे चैनल पे अकेले में मुझे सौम्या मिली है. हम लोग हमेशा ग्रुप चैलेंज वगैरह ही साथ में किए हैं, पर फर्स्ट टाइम हम अकेले. Yes, it's Soumya versus Dor. Soumya versus Kajal today. Yes, hi guys. So आज हम मैं सौम्या को चैलेंज करने वाली. Oh my God. हर चैलेंज हर वीडियो में ये लोग आ रहे हैं. हर वीडियो में. So इसने अभी पेडिग्री खाया ना. हाँ मस्त आ रहा है. आज का जो चैलेंज है उसका नाम है गेस द फूड चैलेंज. और सब कुछ जो भी फूड का रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैंने डॉल को दिया है जो पीछे कैमरा के पीछे है. आजा मुझे एक ही फियर है, ये इतनी बैड गर्ल है ना, क्या ये पेडिग्री खिला सकती है? मेरे को भी ऐसा थॉट आ रहा है कि ये हम ब्लाइंड फोल्ड रहेंगे तो पेडिग्री तो ना खिला दे. कुछ तो कर रही थी जहाँ पे पेडिग्री कुछ फूड आइटम्स है. हम ब्लाइंड फोल्ड रहेंगे हम दोनों और हम में से जो भी पहले गेस करेगा उसे मिलेगा एक पॉइंट. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. पहला आइटम आ चुका है और हम अभी आंखें बंद कर रहे हैं. मैं तो कॉन्टेक्ट लेंस पहनूंगा. योर फर्स्ट आइटम इज हियर सौम्या, प्लीज आंखें बंद. 3 2 1 गो. कॉर्नफ्लेक्स लेस कॉर्नफ्लेक्स क्रीम एंड ऑनियन कलर ग्रीन वाला फ्लेवर है ये लेस का. चिली एंड हां लेमन. हां चिली एंड लेमन. ओह शिट ग्रीन कलर का चिली एंड लेमन. फर्स्ट पॉइंट तो सौम्या को गया है, मेरा स्कोर 0 है. लेट्स गेट टू द सेकंड आइटम. ये वाला तो भेज गाइस. पहले मैं आपको दिखा देती हूं ये क्या है. ओह शिट, तुझे क्यों डेंजरस लग रहा है? दे 3 2 1 गो. टमाटो ऑलिव एलिपिनो जेलिपिनो एलिपिनो जेलिपिनो. ये तो दूसरा पॉइंट जाता है काजल पागल को. वन ऑन वन गाइस. मैं आपको दिखा देती हूँ मैं क्या देने वाली हूँ. ओके ए सौम्या वास के वास के खिला सौम्या. इसको भी तो आ रहा होगा. नहीं मैं नीचे रखा है. 3 2 1 गो. अदरक अदरक जिंजर. भाग सौम्या चीटिंग किया है. अरे सर मेरी नाक अगर तेज है तो मैं क्या कर सकती हूँ यार. नाक तो बंद करके नहीं बैठ सकती. इट इज अदरक. थैंक गॉड तूने पहले ही बोल दिया खाने से पहले. बच गई मैं. अच्छा मेरी नाक तेज है अभी इसका क्या कर सकते हैं. अभी सूंघी वो बोल रही. अरे मैं ऐसा नाक बंद करके थोड़ी बैठ सकती हूँ, मैं मर जाऊंगी. कुछ भी चलो आंखें बंद कर दो. तो अभी स्कोर है 2-1. आप लोगों को मैं दिखा देती थी मैंने क्या देने वाली हूँ. इसका क्या आंखें बंद करके जो एक चेहरा नजर आया. अभी इसकी कटोरी में डाल रही हूँ. 3 2 1 गो. रिटिलाट. हाँ रिटिलाट. हाँ कैसे पता चला काजल? रिटिलाट मेरा फेवरेट है. शेप शेप भी एंड मतलब वो हाथ में उतना शेप. इसका दिस पॉइंट्स गोस टू 2-2. आंखें बंद. अभी तुम्हें सूंघना नहीं है. एकदम दूर पटो पकड़ो अपनी अपनी कटोरी और दूर. अब एकदम सीधा जा. हाँ सौम्या तुझापन. अभी ये पाउडर फॉर्म में है. कटोरी बहुत दूर रखो. अगर चीटिंग मुझे लगा तो वो डिस्क्वालीफाई. हाँ काजल नाक नाक पीछे ले काजल. और पीछे. अरे नाक कैसे पीछे लो यार. मुझे स्प्रे मारती हूँ ऐसे. तू हिंट ऑलरेडी दे रही है मेरे को. समझ आ रहा है कि क्या होगा. मुझे भी समझ आ रहा है. क्या मैं भी वो क्या तू भी वही सोच रही है. ठीक है मैं तेरी कटोरी में डाल रही हूँ. 3 2 1 गो. कॉफी आपको दिखा देती हूँ मैं क्या देने वाली हूँ. बाउल तो पकड़ सकती हूँ. धक धक करने लगा.
थ्री सुन तो नहीं टू वन गो अरे लिक्विड है माजा स्लाइस नहीं रोटी नहीं अमरस नहीं यार चाय पत्ती आ रहा है इसमें सुन जो एयरपोर्ट पे पीते हैं वो लेकिन याद नहीं आ रहा है अभी मैंगो का जो पी रहे थे गुआवा जूस कौन सा गुआवा जूस है ना बस ना लेकिन ताजल ताजल मुँह में एक से नहीं होता जरूरत लगता है आज मेरे को फील हो रहा है क्योंकि मैं गुआवा जूस तो कितना पीती हूँ मुझे ज्यादा ये स्ट्रेंज लगा कि तुम लोग ने टी पाउडर पहचान नहीं पाया मतलब वो तो इतना सारा कॉमन है ये सब तीनों क्या स्ट्रॉन्ग टीम है आज मुझे रियलाइज हो रहा है तू ये निकाल सकती है बोलने का टाइम ओ शिट अपना स्कोर 3-3 है तो सौम्या के 3 points हो चुके हैं एंड काजल को भी 3 points मिले हैं तो ये वाला मतलब ये वाला क्या बोलते हैं ये वाला डिफिकल्ट है डिफिकल्ट है तो ये वाला चांस अभी डिसाइडर होगा कि कौन जीतेगा तो मैंने जो इंग्रेडिएंट लाया था जो प्रोडक्ट लाया था मैंने वो कैंसिल किया और मैंने दूसरा डाल दिया क्योंकि अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट होना चाहिए ना क्योंकि इसके पास भी 3 points है काजल के पास भी 3 points है तो अभी थोड़ा सा ट्विस्ट होना चाहिए तो मैंने एक प्रोडक्ट नहीं डाला इसमें दो नहीं डाला तीन चीजें हैं जो तुम्हें गेस करनी क्यों थी लेकिन वो तीन चीजों का एक सेकेंड लेकिन वो तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है तो अगर तुम्हें एक चीज समझ आई दूसरी चीज समझ आई तो तीसरी भी ऑटोमेटिक समझ आएगी मतलब वो इतना ज्यादा भी अगर तुमने दिमाग चलाया तो इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या लेके आई हूँ ओह माय गॉड मेरा दिल धक धक करने जो भी जीतेगा मतलब जो भी बताएगा आंसर वो जीतेगा तो गाइस सोच समझ के आंसर देना और बहुत इजी है यार मतलब वैसे तो बहुत इजी है तीनों चीजें भी बहुत इजी है चलो 2-1 बोल दे अभी हां 3-2-1 गो एक तो इसमें ये है ये नहीं आंसर चाहिए प्रॉपर जीरा है जीरा राई टर्मरिक जीरा राई टर्मरिक जीरा राई है जीरा नहीं वो गोल गोल होता है उसको क्या बोलते हैं मुझे पता ही नहीं है वो राई है हाँ तो प्रॉपर आंसर दो ना तीनों बताओ जीरा राई टर्मरिक सौम्या मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट है हम इंडियंस के लिए कहीं ना कहीं मेरा नाक भी इसमें इसके बिना खाना क्योंकि मैं कितना भी रोकूं मुझे उसमें तो सबके घर में इसके बिना खाना नहीं बनता तो मैं क्या करूं मुझे मेरे नाक का कुछ तो चेकअप करना पड़ेगा मेरे को एक चीज का स्मेल नहीं आया ऐसा लगा ट्विस्ट बहुत बढ़िया थैंक यू पेडिग्री नहीं डाला हम दोनों को डाउट था कि तो डाल देगी क्या पेडिग्री में चिकन होता ना और आज अक्षय तृतीया इसलिए मैंने मतलब तू डालती थी कूट के डालती वो भी मुझे ऐसा लगा था कि काजल ही जीत जाएगी बिकॉज खाने के मामले में चीज हो रही शायद उसका ऐसा नहीं हो देखकर पता से बता सकती है कि ये नहीं यार मुझे लगा यही जीतेगी और स्टार्टिंग में भी इसको मैंने बोल दिया था शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि तू जीतेगी बिकॉज ये इतना पूरा दिन भर खाती रहती है और खाने में भी इतनी सारी वैरायटीज खाती रहती है तो मुझे लगा अरे मास्टर शेफ की इतनी बड़ी फैन है सौम्या ने मैंने खराब है ये कांग्रेचुलेशन सौम्या आप जीत गई हो लॉट्स ऑफ लव और आपको कैसे लग रहा है आप हार गए हो मम्मी फूड हमें गेस करो तो सारी मीटिंग ली अगर आपको ये चैलेंज का पार्ट टू चाहिए तो प्लीज कमेंट पार्ट टू भी करेंगे और फूड वर्जन था मे बी कुछ और वर्जन में भी कर सकते हैं इसको थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस बाय बाय मीट यू इन द नेक्स्ट वीक